गोवर्धन के जतिपुरा में बिल्डर ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव जतिपुरा में बीती देर रात्रि हरियाणा बिल्डर ठेकेदार की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ठेकेदार घर में अकेला किराए पर रहता था। रविवार की सुबह करीब 9 बजे पड़ोसी ने पानी की मोटर चलाने के लिए आवाज लगाई तो छत से सीढ़ियों के रास्ते पड़ोसी अनुज शुक्ला नीचे आया तो ठेकेदार लहूलुहान पड़ा मिला। घटनाक्रम के अनुसार शिव कुमार काले, उम्र करीब 45 साल वर्ष, निवासी गांव नानहेड़ी, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत, करीब 4 महीने से जतिपुरा के जाट चौपाल के समीप कोली मोहल्ला में दिल्ली निवासी सुशील वायती के मकान में अकेला ही किराए पर रह रहा था। बताया गया है कि उसका गिरिराजी परिक्रमा दंडवती शिला के समीप बिल्डिंग का काम चल रहा था। रविवार की रात्रि अपने किराए के मकान में आकर सो गया। रविवार की सुबह पड़ोसी अनु शुक्ला ने दूसरे घर से पानी की मोटर चलाने की आवाज लगाई तो कोई उत्तर नहीं दे जाने पर वह छत से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरा, देखा तो कमरे का गेट खुला पड़ा था। कंबल उठाकर देखा तो उसके कई गोली लगी पड़ी थी। उसने इसकी सूचना गांव के प्रधान प्रतिनिधि सत्तो ठाकुर को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक एवं डॉग स्क्वाड टीम लगाई गई। SP क्राइम राधेश्याम राय ने बताया कि युवक की करीब 3 गोलियां मारकर हत्या की गई है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। हत्या के आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी सर, जतिपुरा में हत्याकांड हुआ है, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है पूरा, ये प्रथम दृष्टया कैसा नजर आ रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो हत्या हुई है। आइए, शिव कुमार हैं, उम्र इनकी करीब 45 साल है, सोनीपत के हरियाणा के रहने वाले हैं। ये रात में ये दरवाज़ा खोल के ही सोते हैं, हमेशा दरवाज़ा खोल के सोते हैं। रात में ये दरवाज़ा खोल के सोए थे, कंबल ओढ़े हुए थे, कंबल के ऊपर से इनको कई गोलियां मारी गई। कितनी गोलियां लगभग? लगभग 3 गोलियां तो अभी पता चली हैं, 3 से भी ज़्यादा हो सकती हैं उसके कर रहे हैं। पंचायतनामा में पता चल जाएगा, पंचायतनामा के बाद पता चल जाएगा कितनी गोलियां लगी हैं उसके। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ खून के निशान नहीं दिखे हैं, तो क्या क्या लग रहा है कि यहीं पर हत्या हुई है या फिर कहीं से कोई हत्या नहीं? यहाँ पर सोते समय ये कंबल ओढ़ के सोए थे, यहीं पर हत्या हुई है, कंबल के ऊपर से गोली मारी गई है। जी, क्या नाम है आपका? अनु शुक्ला। क्या घटना हो गई है अभी? अभी मैंने सुबह पानी सप्लाई चालू करने आया था तो मैंने गेट खुला हुआ था। मैं डेली इनसे बोलता था, मतलब जब भी आता था कि काले भैया, मतलब आवाज़ देता था, मतलब हमारा जान पहचान होने के नाते। तो आज मैंने इनको देखा तो गेट खुला हुआ था, तो इन्होंने इनके इसमें सर पे मतलब ब्लड निकला हुआ था। मुझे फिर डाउट हुआ कि लगता है इनकी मतलब कोई कांड हो गया है। तभी इसके बाद मैंने यहाँ पे जो जतिपुरा प्रधान जी हैं उनसे संपर्क किया। उसके बाद हमारे जो बॉस उनको मैंने बताया, फिर थाने में इन्फॉर्म किया। अच्छा, ये बताइए कैसा प्रतीत हो रहा है, प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है, कितनी गोलियाँ लगी हैं और कैसे? मुझे लग रहा है कि जो इनको कम से कम 3-4 गोलियाँ लगी हुई है इनको पेट में, क्योंकि कंबल भी छेद है, पेट में भी है। तो क्या कुछ पता चल पाया है? नहीं, मैं मुझे कुछ पता नहीं चल पाया, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं। आप कितने बजे आए थे? मैं सुबह 8 बजे लमसम आया था। क्या चैन वगैरह भी गली में पाई गई है, चैन से मारने का प्रयास ऐसा कुछ प्रथम दृष्टया दिख रहा है? नहीं, मैं तो उनको ध्यान से देखा भी नहीं, मैं तो दूर से ही देखा हूँ। मैंने उनके पर्सनल जाके देखा भी नहीं, अभी तक मेरे कुछ देखा। अच्छा, क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये है हरियाणा के और यहाँ जतिपुरा में बिल्डिंग वाला काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो किसके अंडर में बना रहे थे बिल्डिंग? ये कोई मनोहर बागड़ी जी है, उनका बना रहे थे। कोई कंपनी वगैरह? कंपनी नहीं है, वो किसी घर बना रहे थे, वो किसी के यहाँ पे घर है, वो घर बना रहे थे। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं ये? ये तो अभी आए हैं, 2-3 महीने हुआ इनको यहाँ पे आए हुए। अच्छा, हाँ। और ये मकान जो रह रहा है वो मकान किसका है? मकान तो हमारे जहाँ मैं जॉब करता हूँ, हमारे बॉस का है। क्या नाम है उनका? सुशील भाई जी। जी सर, आज जतिपुरा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कुछ मामला था सर? ये थाना क्षेत्र गोवर्धन जनपद मथुरा के जतिपुरा गांव का प्रकरण है। एक शिव कुमार नाम का व्यक्ति जो मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है, जो विगत कुछ माह से यहाँ जतिपुरा के एक मकान में अकेले निवास करता था, कुछ व्यक्तियों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में आज सुबह ही पुलिस को सूचना मिली, सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल पे पहुंची है और घटनास्थल की जांच में जो तथ्य प्रकाश में आया, इसके शरीर पे 2-3 बुलेट इंजरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। सर, मूल निवासी कहाँ का था ये? ये मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है और ये यहाँ पे ठेकेदारी का मकान निर्माण संबंधी काम करता था और उसी के पर्पज से यहाँ रहता था। हत्या के क्या क्या कारण रहे सर?
अभी घटनास्थल के जांच से जो दो तीन तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पे, एक तो सबसे पहला ये कि ये शराब पीने का आदी था और प्रतिदिन ये अपने आसपास के कुछ दोस्तों के साथ शराब का सेवन करता था। तो एक तो पुलिस का वो एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि ये जहाँ का मूल रूप से रहने वाला है हरियाणा में, इसके खिलाफ 307 का एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था जमीनी रंजिश के कारण, तो वो रंजिश का भी एंगल एक पुलिस के सामने है। और तीसरा जिस एंगल से पुलिस जांच कर रही है, मृतक व्यक्ति के कमरे से एक महिला की शॉल भी बरामद हुई है। तो ये अभी तीन एंगल हम लोगों को प्राप्त हुए हैं जिसपे हम लोग अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो इसका मृतक व्यक्ति का मोबाइल था वो इसके कमरे में नहीं मिला है, परंतु उसका नंबर हम लोगों को मिल गया है, तो हम लोगों ने उसे सर्विलांस पे लगा दिया है। CDR इत्यादि आने पे जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा शीघ्र ही हम लोगों द्वारा इस घटना का सफल अनावरण पुलिस द्वारा किया जाएगा।